बलरामपुर थाने में युवक की संदेहास्पद मृत्यु का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आह्वान पर बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा अंबिकापुर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया कि 24 अक्टूबर को थाना बलरामपुर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी गुरुचरण मंडल की संदेहास्पद मृत्यु हो जाती है, जिसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। पुलिस अभिरक्षा में मृतक के साथ हुई मारपीट के निशान के प्रमाण उसके शव पर मौजूद थे। पुलिस अभिरक्षा में हुई इस घटना की जांच में पुलिस विभाग से निष्पक्ष जांच की उम्मीद बेमानी है। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश की मौजूदा अनुभवहीन, अकुशल एवं कठपुतली सरकार में निरंतर हो रही इन घटनाओं के कारण प्रदेश के नागरिक भयकांत हैं। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर आज धरना प्रदर्शन किया गया था बलरामपुर घटना को लेकर के, और कल जो नामाखेड़ा में कबीरपंथी समाज के धर्मगुरु के ऊपर जो बलवा और उन्हें जान से मारने का हथियार के साथ प्रयास किया गया, इन सब के विरोध में देश में प्रदेश में जो अराजकता है और निरंकुश पुलिस प्रशासन के खिलाफ में धरना प्रदर्शन किया गया। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ में जो कानून व्यवस्था बिल्कुल ही खत्म हो गई है और जो अन्याय आम जनता को किया जा रहा है आम जनता के साथ, बलरामपुर के गुरुचंद मंडल की जो अभिरक्षा में मृत्यु, जिसको कि आत्महत्या घोषित करने में और शासन से संबंधित लोगों के साथ प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि वो सुसाइड है, जबकि सबसे पहले सीसी फुटेज तो उनके घर वालों को दिखाना चाहिए था। दूसरा, जब उसके पिताजी गुरुचंद के पिताजी और उनके तीन रिश्तेदार वहां पे अंदर आपने बंद करके रखा था, तो अगर वो फांसी पे अगर लटका हुआ मिला था तो उनके सामने पंचनामा करके आपने बॉडी क्यों नहीं उतारा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, आपने सीसी फुटेज आपके चहेतों को क्यों दिखाया, सबसे पहले तो उन परिजनों को दिखाना था। तीसरा, आज एक हफ्ता से ज्यादा 5 लोगों की टीम, जिसमें फोरेंसिक की भी टीम थी, पोस्टमार्टम हो गया तो अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं मिला, ये भी शंका के दायरे में आता है कि ये शासन के दबाव, अधिकारियों के दबाव, क्योंकि अगर जिन अधिकारी और कर्मचारियों के रहते वहां पे मृत्यु हुई है वो वहीं उपस्थित हैं तो वो किस तरीके से जांच को निष्पक्ष होने देंगे, ये भी क्वेश्चन का विषय है। और ये विष्णु सरकार के ऊपर क्वेश्चन है कि आप क्या सत्ता चला रहे हैं।